जो हम बिश्केक को छोड़ रहे हैं, अब जाएंगे ओश। आज शाम की बस है मेरी। जहाँ देखें ये वेदर किर्गिस्तान का, दिन के 2 बज रहे हैं। मेरा दोस्त जो है माइकल, जो कि स्विट्जरलैंड से है। हेलो माइकल। हेलो, ऑल गुड? गुड, वेरी गुड कुकर। देखते हैं वहाँ पे हमें बस मिलती है या नहीं। ये रशिया से हैं और वो जो हैं किर्गिस्तान से हैं। सो ये हमारे देव भाई, इनके साथ हमने 3 से 4 दिन गुजारे, बड़ा अच्छा लगा। ये जो है इंडिया से हैं। सो ये जो है चीपिस पड़ता है इस तरह। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा परेशान कर दिया। कोई बात नहीं। ये हॉस्टल है, हॉस्टल फॉर यू। ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। वेस्टर्न बस स्टेशन वॉक्सल, जहाँ से जो है मैं पोस्ट के लिए जो है बस ले सकूँगा। तो ये देखें, जब तक ये ग्रीन है समझे, आप यहाँ से जो है रोड क्रॉस कर सकते हैं। फॉर हियर 286 नंबर। तो ये लड़की है, मैं इनसे थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ वॉक्सल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जो है रशियन में लिखी हुई हैं, तो हमें जो है सारी चीज़ें पूछनी पड़ती है। माशुक्ता टाइप की एक छोटी सी बस जो जाएगी वॉक्सल बस स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे होश। किर्गिस्तान विज़िट करना है, ये बड़ी अच्छी जगह है। इसको यूसेन बे 146 भी कहते हैं। और यहाँ पे एक टर्किश मॉस्क भी है। वॉक्सल आए हैं वेस्टर्न बस स्टेशन। आप दो वॉक्सल इसको बोलते हैं, वॉक्सल मतलब बस स्टेशन। सो जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ से जो है होश के लिए, काराकोल के लिए, और ऑलमोस्ट जब आप उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं होश। हाँ हाई वन वन हाँ 2000 सर। मैंने बहुत कोशिश की 1500 में मान जाए, मगर जो है ये मान नहीं रहा। ये हमारी मिनी वैन है, या इसको माशुक्ता बोल रहे हैं। कुछ भी शेयरिंग बस। वेयर ओश ये कह रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी में आ जाओ। और अभी जो हमने ये फिक्स कर ली है, ये गाड़ी है किर्गिस्तान की। दो पासपोर्ट बन गया है हमारी कंट्री का। ऐसी कंट्री जिनकी जो करेंसी बिल्कुल डाउन है इकोनॉमी, वो भी हमें वीज़ा नहीं दे रही। सो चेंज कर लिया किर्गिस्तान टू उज़्बेकिस्तानी सोम। ये उज़्बेकिस्तानी सोम है और ये मैंने चेंज किए हैं। देखें ये 5000 का नोट। अगर उज़्बेकिस्तान से हमें ट्रांज़िट वीज़ा मिल गया तो हम इजीली ताजिकिस्तान क्रॉस कर सकते हैं। अगर नहीं मिला, बिकॉज पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किल है ट्रांज़िट वीज़ा। और उज़्बेकिस्तान अभी हम उतरे थे होश वॉक्सल के पास, अभी हम यहाँ से टैक्सी करके जा रहे हैं एंडिजान। सो वहाँ से जो है हम जाएंगे उज़्बेकिस्तान। सो मुझे 1 lakh 1 2 3 4 5 2 lakh 2 7 I'm rich in Uzbekistan। हम यहाँ से जो है जाएंगे अंदिजान, और अंदिजान से जो है हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे उज़्बेकिस्तान के लिए। बिकॉज दो लोग, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया बिश्केक से यहाँ तक। सो मुझे जाना था ताजिकिस्तान, मगर ताजिकिस्तान जो है फ़िलहाल जो है बॉर्डर क्लोज है। जो पहाड़ क्रॉस करते करते जो है हमें 3.5 से 4 घंटे लग गए। इस एक टनल थी, काफ़ी ठंड है, बात भी नहीं हो पा रहे। तो जहाँ चलो फिर तुमको तो ये हमारे जो है किचन है, हॉस्टल का किचन इस तरह का है। तो इसमें जो आप कुछ चीज़ें ला के यहाँ पर पका सकते हो मार्केट से लेके। तो देखें ये अभी यहाँ पे जो ये खुद चीज़ें कट करके खुद बना रही हैं, हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये हमारा खाना है। सो इसके अलावा राइस कहाँ है, फ्रिज में रखा है। सो हमने जो आज राइस और दाल बनाई है, बनाने वाले ये हैं भाई हैं। ये रशिया से हैं और वो जो हैं किर्गिस्तान से हैं। सो मैं और मेरा एक हॉस्टल का दोस्त जो है माइकल, जो कि स्विट्जरलैंड से है। हेलो हेलो माइकल। हेलो, ऑल गुड? गुड, वेरी गुड कुकर। नो थैंक यू। सो हमने जो है अभी एक ब्रेड जो है लिया बाहर से, एग्स, और ये जो है बिरयानी वगैरह हमने बनाई है, हम साथ में खा रहे हैं। सो माइकल, हाउ वाज योर डे इन बिश्केक? ओह वेरी गुड, थैंक यू। वेलकम वेलकम आल्सो, थैंक यू।
तो आज जो है बिश्केक को जो है अल्लाफिस कहने का टाइम आ गया है। तो आज जो हम बिश्केक को छोड़ रहे हैं, अब जाएंगे ओश। आज शाम की बस है मेरी 4:30 या 5 बजे की। अब जाके वोक्जाल में पता चले, वोक्जाल जो है बस स्टेशन को कहते हैं, और हम देखते हैं वहाँ पे हमें बस मिलती है या नहीं। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन है कि जब लोग आते हैं फिल हो जाती हैं बसें, तभी बस निकलती हैं। तो अभी हम वोक्जाल जाके देखते हैं कि हमारी जो ओश की बस है वो रेडी है या मिलती है या नहीं मिलती। मैं भी वहाँ जाके चेक करता हूँ। मेरा ओसा ये हॉस्टल है, हॉस्टल फॉर यू। ये मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, ये शूज़ रखने की जगह है, ये लॉन्ड्री है, एंड ये डेस्क है समझो इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए। यहाँ पे नीचे भी 2 वॉशरूम बने हुए हैं, एक ये रखिए, और ये यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे आप टीवी वगैरह कुछ देख सकते हो। ऊपर जो है हॉस्टल था मेरा, वो तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, हॉस्टल में डॉर्म्स वगैरह होती हैं। और ये है किचन, इस तरह की होती है किचन, सी ये किचन था। इसमें ये कि सारी चीज़ें जो हैं हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइड होती हैं, बस आपको मार्केट से चीज़ें लेके आनी पड़ती हैं, तो आप खाना ख़ुद बना सकते हो। सो ये जो है चीपेस्ट पड़ता है इस तरह। सो अभी हमारे निकलने का टाइम हो गया है जा भाई। सो ये हमारे देव भाई, इनके साथ हमने 3 से 4 दिन गुजारे, बड़ा अच्छा लगा। ये जो है इंडिया से हैं, रहते बेंगलोर, रहते बेंगलोर में, मगर ऑलमोस्ट अभी जो हैं 3-4 साल से या कुछ ज़्यादा ही ये मनाली में रहने लगे हैं। सो ऑलमोस्ट यहाँ इनको यहाँ इफेक्ट नहीं करती यहाँ की सर्दी। ठीक है देव भाई, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट। बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा परेशान कर दिया, कोई बात नहीं। सही है भाई, कोई नहीं, आराम से चलो। और कुछ बताना कैसा रहा, बताना मुझे। इंशाल्लाह आपको अपडेट करते हैं। ओके थैंक यू। थोड़ा थोड़ा इतना चलता है। तो यहाँ देखें ये वेदर किर्गिस्तान का, दिन के 2 बज रहे हैं। ये हॉस्टल का बाहर का है सीन। तो मैं निकल चुका हूँ हॉस्टल से, यहाँ करीब में ये बस स्टेशन जो मुझे लेके जाएगी वेस्टर्न बस स्टेशन वोक्जाल, जहाँ से जो है मैं ओश के लिए जो है बस ले सकूँगा। तो ये देखें जब तक ये ग्रीन है समझे, आप यहाँ से जो है रोड क्रॉस कर सकते हैं, जैसे ही रेड हुई तो आप जो है क्रॉस नहीं कर सकते। किर्गिस्तान विज़िट करना है, ये बड़ी अच्छी जगह है, इसको यूसेन बे 146 भी कहते हैं। और यहाँ पे एक टर्किश मॉस्क भी है, खैर वहाँ तो हम विज़िट नहीं कर सके, मगर आप यहाँ से जो है ईज़िली सारी जगह जो है सेंटर में है, और सारी अट्रैक्शन प्लेसेस करीब में ही है। तो ये रहा हमारा बस स्टेशन, तो हम यहाँ से अब बस लेते हैं और जाते हैं वोक्जाल की तरफ। बस फॉर हेयर 286 नंबर। तो ये लड़की है, मैं इनसे थोड़ा हेल्प ले रहा हूँ वोक्जाल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें जो हैं रशियन में लिखी हुई हैं, तो हमें जो है सारी चीज़ें पूछनी पड़ती है। माशुक्ता टाइप की एक छोटी सी बस जो जाएगी वोक्जाल बस स्टेशन, जहाँ से हम जाएंगे होश। ये देखें इसमें 2 लिखा है, 9 आइडिया नहीं है क्या है, मगर इसने मुझसे 10 रुपये लिए, 10 सोम जो है ये यहाँ से लेगी और जाएगी वोक्जाल। इस बस का नंबर है 286, तो ये आप याद रखें कि अगर आप कभी भी वेस्टर्न बस टर्मिनल जाना हो या वहाँ से आप डाउनटाउन आना हो तो आप इस बस को यूज़ कर सकते हैं। बस से अभी जो है उतर चुका हूँ मैं, अभी मैं थोड़ी सी वॉक पे जो है बस का रूट जो है वो चेंज है, तो मुझे जाना है सीधा और बस जो जाएगी लेफ्ट साइड। तो मैं थोड़ा सा वॉक करके आते हैं टर्मिनल की तरफ बस स्टेशन की। हम पहुंच चुके हैं वोक्जाल वेस्टर्न बस स्टेशन बिश्केक में, जो जाएगी ओश, यहाँ से ओश, कराकोल, ईसाकोल, यहाँ सब के लिए जो बसेस जाती हैं यहाँ से। ऐसा है बस स्टेशन। This one just
Big one, not? No, no. Taxi talk. Big bus, mini bus, no. Where? Talk a taxi. Just taxi. Yeah. How much? How much? 2,000. 1,500. No. Push. Hoş. Hoş. Ha. Aman olsun. Hayvan. One. Tamam. How much? 2000 sir. मैंने बहुत कोशिश की 1500 में मान जाए मगर जो है ये मान नहीं रहा. हो चुकी है. Just one minute. शुक्रिया. सर. ये हमारी मिनी वैन है या इसको माशुकता बोल रहे हैं. कुछ भी शेयरिंग बस. वेयर ओश. ये कह रहे हैं कि भाई मेरी गाड़ी में आ जाओ. और अभी जो हमने ये फिक्स कर ली है, ये गाड़ी है किर्गिस्तान की और ये जो ऑलमोस्ट आर्मेनिया की है. यहाँ पे जो है आर्मेनिया कंबोडिया नो हारमोनिया कंबोडिया और किर्गिस्तान यहाँ की गाड़ी यहाँ से चलती है. अब वक्जाल आए हैं वेस्टर्न बस स्टेशन. अब दो वक्जाल इसको बोलते हैं वक्जाल मतलब बस स्टेशन. सो जब भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ से जो है होश के लिए काराकोल के लिए और ऑलमोस्ट जब आप उज़्बेकिस्तान जाना चाहते हैं वो आया अंदिजान जो उज़्बेकिस्तान की फर्स्ट सिटी है तो यहीं से ही आपको मिनी वैन वगैरह मिलती हैं. सो ये देखिए ये सारा जो है बस टर्मिनल कह लें या बस स्टेशन. सो ऐसा है. सो यहाँ से जो है ये इस टाइप की जो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो जाती हैं. जो है कुछ खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत ले लिया है स्टोर से. यहाँ सामने ही बना हुआ है आपको पता है स्टेशन पे ऑलमोस्ट ये सब चीज़ें होती हैं. कुछ खाने पीने के लिए ले लिया है. हमारी बस जो है निकलेगी 5 बजे तो तब तक हम यहाँ वेट करेंगे. ऑलमोस्ट 4 बंदे तो पूरे हो चुके हैं अभी एक दो और बंदे. Ben çıktım. Bu kamyon olsun dedik. Can söyle girdin bu. Hocam Marvel taşları da bitirdim. Evet. तो हम ऑलमोस्ट 2 घंटे सफ़र करने के बाद एक रोका है क्योंकि यहाँ पे जो है लोगों ने के ड्राइवर ने पेट्रोल वगैरह भराया. तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होके तो इन्होंने खाने पीने की चीज़ें जो है ऑलरेडी ली हुई थी वक्जाल से ही बिश्केक से और मुझे यहाँ से कुछ लेना पड़ा नहीं. ऑलरेडी मैंने लिया हुआ था. तो यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने खाने पीने के लिए चीज़ें ली हैं उतर कर और यहाँ पे ड्राइवर ने पेट्रोल भी भराया. सो अभी मैं भी सब फ्रेश होके वॉशरूम वगैरह से फ्री होके चलते हैं यहाँ से क्योंकि हमारा 10 घंटे का और सफ़र है. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything. रात के 11 बज रहे और अभी ऑलमोस्ट हम 3.5 घंटे जो है पहाड़ों के बीच से आते हुए हम यहाँ एक
ये होटल का नाम है, आइडिया नहीं है क्या है, मगर ये देखें ये सारे पहाड़ हैं। हम उसके पीछे से आए, 3.5 घंटे ऑलमोस्ट लग गए थे हमें आते आते। ये सारा पहाड़ का एरिया है, ये देखें ये सारा पहाड़ ही पहाड़ है। यहाँ तो ऑलमोस्ट ब्लैक है, वहाँ पे जो है काफ़ी वाइट था, पूरा जो पहाड़ था स्नो से भरा हुआ था। काफ़ी अंधेरा था इसलिए कुछ दिखा नहीं कोई वीडियो बना सके। देख सकते इतनी ठंड है यहाँ पे, ऑलमोस्ट माइनस पे चल रहा है। ऑलमोस्ट हमें 5 घंटे हो चुके हैं सफ़र में, अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं। सो हमें यहाँ आते आते जो पहाड़ क्रॉस करते करते जो है हमें 3.5 से 4 घंटे लग गए। इस एक टनल थी, काफ़ी ठंड है, बात भी नहीं हो पा रहे। तो एक टनल थी ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर की पहाड़ों के बीच से ही। सो उस टनल का नाम है कुलबेव, ऐसा ही कुछ था, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे तो आप देख लो। काफ़ी ठंड है भाई, टू मच। अभी हम उतरे थे बोश वोक्जाल के पास, अभी हम यहाँ से टैक्सी करके जा रहे हैं एंदिजान। सो वहाँ से जो है हम जाएंगे उज़्बेकिस्तान। सो मुझे 2 लोग मिले जो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप यहाँ से जाएं एंदिजान की तरफ, तो वहाँ आपको जो है बस वगैरह जो है मिल जाएगी। तो ये मेरे पीछे बैठे हुए 2 लोग, तो इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया बिश्केक से यहाँ तक। सो मुझे जाना था ताजिकिस्तान, मगर ताजिकिस्तान जो है फिलहाल जो है बॉर्डर क्लोज है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उज़्बेकिस्तान। मैंने ऑलमोस्ट चेंज कर लिया किर्गिस्तान टू उज़्बेकिस्तानी सोम, ये उज़्बेकिस्तानी सोम है और ये मैंने चेंज किए हैं। देखें ये 5000 का नोट है, किर्गिस सोम, ये किर्गिस सोम है और ये उज़्बेक सोम है। 2 7 I'm rich. In Uzbekistan I'm rich. Okay. Thank you. As he give me good price, so every time you come here, change here. Okay, brat. I promote your shop. अभी मैं हूँ ओश सिटी में किर्गिस्तान के, और यहाँ से जो है अब अंदिजान जाएंगे, जो कि यहाँ से बस है वोक्जाल स्टेशन है जो उज़्बेकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाएगी। अभी हम आए हैं, कल निकले थे बिश्केक से 6 बजे और अब हम यहाँ पहुँचे हैं ऑलमोस्ट, अभी हम यहाँ पहुँचे हैं ऑलमोस्ट 10:30 बजे दिन के, क्योंकि हमारी रात को जो है गाड़ी जो है ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से हम जो है लेट हो गए थे। अभी हम यहाँ से जो है जाएँगे अंदिजान, और अंदिजान से जो है हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे उज़्बेकिस्तान के लिए, बिकॉज़ मुझे जाना था ताजिकिस्तान, बट ताजिकिस्तान का जो है बॉर्डर क्लोज हो चुका है क्योंकि यहाँ इनके बीच थोड़ी सी इश्यूज़ हैं, सो वहाँ इसलिए अभी जा नहीं सकते। तो मैंने सोचा अभी फ़िलहाल उज़्बेकिस्तान ही चले जाएं, कि अगर उज़्बेकिस्तान से हमें ट्रांज़िट वीज़ा मिल गया तो हम इजीली ताजिकिस्तान क्रॉस कर सकते हैं, अगर नहीं मिला बिकॉज़ पाकिस्तानियों के लिए काफ़ी मुश्किल है ट्रांज़िट वीज़ा, और खासकर उज़्बेकिस्तान का। फिर कल मैं एम्बेसी गया उज़्बेकिस्तान के, तो उज़्बेकिस्तान वालों ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, ना ट्रांज़िट ना टूरिस्ट। इतना लो पासपोर्ट बन गया है हमारी कंट्री का, ऐसी कंट्री जिनकी जो करेंसी बिल्कुल डाउन है,
इकोनॉमी, वो भी हमें वीज़ा नहीं दे रही। सो आप सोच सकते हैं कि हम, हमारी कंट्री और हमारी कंट्री की इकोनॉमी और कंडीशन और वैल्यू कितनी नीचे है। ना थैंक यू। जब आप किर्गिस्तान या उज़्बेकिस्तान की तरफ आएँ, ख़ासकर इन वेदर में, तो ऑलमोस्ट आप अपने साथ जो है विंटर के कपड़े लाजमी लेके आएँ, कि यहाँ पे ठंड बहुत है। क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी ठंड पड़ेगी, मगर यहाँ पे ठंड बहुत है। कल मुझे इसका अंदाज़ा हुआ, क्योंकि जब रात में हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी पहाड़ों के बीच में, और बिल्कुल बर्फ़ से ढका हुआ पूरा पहाड़ ही पहाड़ था हमारे चारों तरफ, तो काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे, समझे कि माइनस में चली जाती है। ये है वॉक्जाल, ये सारे जो है एक्सचेंज करेंसी हैं, मैंने यहाँ से चेंज किया क्योंकि अच्छा रेट मिला। सो मैं जो है अभी जो मुझे यहाँ पे हेल्प कर रहे थे उनका वेट कर रहा हूँ, तो उनके साथ ही मैं यहाँ से निकलूँगा। ये देखें, ये सारा जो है अंदिजान की तरफ जाएंगे, बॉर्डर क्रॉस करके उज़्बेकिस्तान।